न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शंस फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड लोअर ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल फर्स्ट द डेफिनेशन न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनेलि ऑफ सेल विच इज इनक्लोजिंग द जिनेटिक मटीरियल तो स्टूडेंट्स अगर हम जीनेटिक मटीरियल इसकी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो नॉर्मल कॉमन सेंस में या आम इंग्लिश में हम मतलब लेते हैं तो न्यूक्लियस कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी चीज़ जो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहते हैं ये इसका न्यूक्लियस है तो इसे जब सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात हो तो सेल का जो न्यूक्लियस है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस की अगर हम ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं तो एनिमल सेल्स में इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद है डबल मेम्ब्रेन बॉडेड ऑर्गेनली है यानी इसके ऊपर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जेनेटिक मटेरियल प्रोक्रियोड और यूक्रियोर्ड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ न्यूक्लियस है कि जो यूक्रियोर्ड्स हैं उनके अंदर बाकायदा एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनक्लोज होता है या मौजूद होता है सम ऑफ द सेल्स दे आर हैविंग ऑनली वन न्यूक्लियस तो वो सेल जिनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है दे आर कॉल्ड द यूनी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं जिनके दो न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड अज द बाई न्यूक्ट अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूँगा जैसे अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है तो अमीबा क्या है यूनि न्यूक्ट है पैरामिशियम के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे जैसा बाई न्यूक्ट सेल या बाई न्यूक्ट ऑर्गेनिज्म अच्छा कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक् पाए जाते हैं तो जिनके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होंगे दे आर कॉल्ड एज दा मल्टी न्यूक्ट सेल्स या मल्टी जो उसको मल्टी न्यूक्ट का नाम जो है वो देंगे वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को बात करें तो द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियर एनवेल्प न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेल्प है न्यूक्लियर एनवेल्प बेसिकली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द जिनेटिक मटीरियल इन द सेल क्रोमेटन मटीरियल जिसको नाम देते हैं क्योंकि जिनेटिक मटीरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वो फाइबर्स के फॉर्म में मौजूद है जिसको हम क्रोमैटन फाइबर्स कहते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लिस इज द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस वो स्पेसिफिक ऑर्गेनलीज हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने क्या करना है राइबोसोम्स की सिंथेसिस करनी है और ये राइबोसोम फिर बाद में साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन बनाएंगे इस से थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस एंड द लास्ट वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली जो लिक्विड कंपोनेंट है या सोलोबल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री

क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस को आप देख रहे हैं ये एक नॉन मेमब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद है सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जिसने बेसिकली रोसोम को सेंथिसाइज करवाना है एंड द फोर्थ पोर्शन फोर्थ थिंग इज द न्यूक्लियो प्लाज जितने भी ग्राउंड सब्सटेंसेज हैं ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं कि जो सैलोबल फार्म के अंदर मौजूद हैं स्टोर हैं न्यूक्लियस के अंदर दे एक्चुअली मेकिंग द न्यूक्रो प्लाज वाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन टू द सेल न्यूक्लियस का जैसे मैंने पहले बताया कि इट्ज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल ऑल द सेलूलर एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाई द न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ने ही कंट्रोल करना है अच्छा अगर हमसे कोई ये पूछता है कि अच्छा न्यूक्लियस के पास क्या क्वालिटी है वो कैसे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है तो इसका आंसर यह है कि न्यूक्लियस के पास है डी एन ए मालिक या जीनेटिक मटीरियल मौजूद है तो डी एन ए के थ्रू न्यूक्लियस तमाम सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे कैसे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनाएगा और ये प्रोटीन मालिक्यूल जो है वो क्या करेंगे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन पहला फंक्शन ये होता है कि इट कंट्रोल आल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज दैट इट इज़ आलसो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंट्स कि ये जेनेटिक मटीरियल को आगे ट्रांसफर करने का भी बायस बनता है अगर हम सिंपल बात करें जितने भी एनिमल्स हैं बींग यानी हम भी इंक्लूड है बाकी एनिमल्स भी हैं अगर हम देखें तमाम की पैदाइश एक सिंगल जयगोड से होती है अब जाइगोट में मदर से जो एग आएगा फादर से स्पर्म्स आएगा तो अब फादर के स्पर्म के अंदर जो ख़ास बात है वो न्यूक्लियस है इसे मदर के पास जो एग है उसमें भी क्या चीज़ है न्यूक्लियस है तो स्पर्म और एग के न्यूक्लिया आपस में मिलते हैं और उसकी वजह से जायगोर्ट बनता है और जायगोर्स से आगे पूरा एनिमल जो है वो जो बन जाएगा तो इस तरह से जो पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हमें मिलते हैं या एनिमल्स को अपने पेरेंट्स से करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं दे आर बेसिकली ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं सेल डिवाइड करता है और उसके न्यूक्लियाई आगे फिर जो होते हैं आगे मटेरियल को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं